कल हम हमारा कार्यकर्ता है सीबीओ राम यादव, पूरे घर पे परिवार में इतवार का दिन था तो आए थे चाय पी रहे थे। अचानक आज पौन घंटे बाद एक हुजूम बन के आया और नारे लगाते हुए उस जगह पहुंचा जहां हम रुके हुए थे। ऊपर की मंजिल में थे, परिवार में मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरे पुत्रवधू थे। जिस तरह का माहौल और जिस तरह के हालात हुए हम भी घबरा गए और कांच को तोड़ फोड़ करने लगे, क्योंकि शीशे का शीशा तोड़ा हुआ है, टायरों की हवा निकाल दी। हवा में लहराते हुए गोली चलाई, फायरिंग की, और जिस तरह की बातें और हाथों में पत्थर लिए हुए थे, इसे लगता था कि ये निश्चित रूप से आज इनको मारकर चलेंगे। कितने लोग थे सर जी? लोग 20-25 लोग। तो फायरिंग करने वाले कितने लोग थे सर? फायरिंग करने वाले, वहाँ फायरिंग हुई थी तो हमने केवल सुनी थी, वही फायर किया होगा। मेरा अगर पीएसओ नहीं होता तो निश्चित रूप से कल बहुत बड़ी वारदात बन जाए। यहाँ ये मेरे जो परिवार के लोग थे जहाँ मैं गया था, हम गरीब परिवार के लोग, ये भी सब बहुत भयभीत हो गए, तकलीफ में आ गई। और जिस तरह से दरवाजे पर लात और पत्थर मारे गए, ऐसी स्थिति में मेरे डीएसओ को ये रिवॉल्वर निकाल कर ये चेतावनी देनी पड़ी कि अगर किसी ने भी दरवाजा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं आत्मरक्षा के लिए, साहब की आत्मरक्षा के लिए मैं गोली चला दूंगा। उस बात को से वो धमके, धमकने के बाद में ये रुके, वहीं रुके रहे। तब तक क्या नाम है, जो SHO सरमथरा और डिप्टी सरमथरा को सूचना कर दी गई। बहुत द्रुत गति से SHO सरमथरा पहुंचे, उस के बाद डिप्टी पहुंचे। मेरे से पूछा गया भाई आपका हालचाल ठीक है, किसी को चोट तो नहीं आई? और सब बात पूछ के उन्होंने कहा भाई आपको अब हम पहले सुरक्षा के हिसाब से बाहर निकाले और ये आपके लिए ज़रूरी है कि हम आपको वहाँ पर छोड़ के हैं। तो जो हालात थे ये लोगों ने पूरा जाब्ता था, मेरे मुझे मेरे परिवार लेके आए, दोनों गाड़ी में बैठाया। हम उस टूटी गाड़ी में जो कांच खोला हुआ था उसको में हम गए, हमको बाहर तक निकाल कर डिप्टी साहब को छोड़ के आए। और जो वास्तविक स्थिति थी, लोगों की पहचान हुई क्या सर? हाँ, पहचान क्या नाम है, जो हमने हमारे जो लोग थे वहाँ पर मौजूद इस परिवार के, उन लोगों ने अंधेरे में, थोड़ा अंधेरा था उजाला, उसमें उनकी शक्लें देखी, आवाज़ सुनी है। वो एक ही कुटुंब परिवार के लोग थे और उन लोगों का वो मेन मकसद था जिसमें मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बछेड़ी से विधानसभा का, और संजय जाटव भी चुनाव लड़ रहा है। शायद या तो ये कि बौखलाहट हो गई आर की वजह से, और ये इतनी हुई है कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए जो खत्म कर देता है। लेकिन सर, जानवर का खतरा हो सकता है क्या आपको? जानवर का पूरा खतरा है, ये मेरे परिवार के लोगों में सहमे हुए हैं, रात भर नीचे नहीं उतरे और दिन भर इन लोगों के साथ ऐसी स्थिति थी कि क्या नाम है, जो जा नहीं सकते। तो जो भय का माहौल है इस परिवार में और जिन लोगों ने किया है, तुरंत तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं MLA रहा और अभी मैं 3 तारीख तक तो विधायक हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, बात अलग है। रिजल्ट के बाद में मैं हटूंगा, कौन बनता है कौन नहीं बनता है तो जनता जनरल माई बाप सिखाएगी। लेकिन मेरे राजकाल में मैं MP रहा, पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सरमथरा में बसेड़ी में कोई किसी ठेले से मूँगफली उठा खा जाए। गुंडागर्दी, दलाली सब खत्म। तो आज वो गुंडे दलाल हैं ना, वो इतने परेशान हैं, तकलीफ में हैं, तो वो भी घूम रहे हैं। तो ये मेरे को चुनाव प्रचार में भी मेरे साथ तकलीफ हो सकती है, मेरे को कई वारदात हो सकती है, मेरे को अवरुद्ध किया जाता है। तो मैंने तो निवेदन किया है ऐसे हिसाब से कि भाई इस बात को ध्यान में रखिए, कल के लिए क्या नाम है आपको प्रोवाइड कराना बहुत आवश्यक है, सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है। और ये बात मैंने FIR कराई है, 391/2023 FIR नंबर है। मैं इस FIR को इलेक्शन कमीशन को भेज रहा हूँ ताकि ऐसे गुंडे, असामाजिक तत्व जो हैं उनकी जांच कर उन पर सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करें।